What's up, squad? I am Saurabh Rajput. Hope all of you are fine and your Sunday, Monday, Tuesday, every day will be a fantastic day. Good morning and welcome to fresh new vlog. भाई साहब आज मौसम देखो, आज ना बिल्कुल भी धूप नहीं है, मतलब कोहरा कोहरा सा हो रहा है। जब सुबह उठा था ना, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो साफ हो चुका है। सुबह जब उठा था ना बहुत ज़्यादा कोहरा था, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना पहाड़ों में बर्फ़ गिर गई, और तब भी बहुत ज़्यादा अचानक से ना ठंड बढ़ गई। और ठंड बढ़नी भी चाहिए, दिसंबर आ चुका है, अगर आप ठंड नहीं पड़ेगी तो फिर कब पड़ेगी यार। तो जैसे जैसे अपनी जी की शादी नज़दीक आ रही है ना, वैसे वैसे कोई ना कोई फंक्शन भी आ रहा है, तो आज बेसिकली उसका लगन का फंक्शन है, उसका लगन लिखा जाएगा। पंडित जी उसका लगन लिख रहे हैं और पंडित जी ने काफ़ी सारे मंत्र सुना भी, मैं नीचे था, मेरे सर के ऊपर सारे के सारे मंत्र उड़ गए, और अभी भी प्रोग्राम ना नीचे चल रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। अभी लगन लिखी जा रही है और संस्कृत में कुछ लोग लोगों को सुना रहे हैं, तो नीचे चलते हैं। अपने आसन पे छोड़ दे, ओम के श्री स्वाद वितारो का आत्म साध धाय जी जाय छे, ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय, ओम नारायणाय नमः। ले भाई एक तो पकड़ ले, आजू के छोले भटूरे पे आ गए। एक्चुअली क्या है कि पिंकी का लगन लिखा जा रहा था, तो भाई साहब खाना सुबह सुबह बना नहीं था, ऐसा बोल रहे थे कि लगन लिखवा और फिर खाना खाओ। हाँ भाई, सुबह सुबह छोले भटूरे चखने आ गए, रायता पीने आए हैं भाई। ये छोले भटूरे लग गए, और अपने आगे स्पेशलिटी क्या है, राजू के छोले भटूरे, और 30 रुपए के छोले भटूरे मिलते हैं भाई साहब, टेस्टी एक नंबर के होते हैं। तो भाई जैसा बता रहा था कि मौसम आज सुबह से ही ना कोहरे वाला हो रहा, ठंड वाला, और देखो बारिश भी हो चुकी है। अभी स्केटिंग पार्क में आए हुए थे, क्रिकेट खेलने हैं बच्चे, तो वही खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन भाई साहब आज हाँ बारिश हुई है और मौसम ना बड़ा ठंडा हो गया है। ठाकुर साहब, दिवेश ठाकुर, क्या हाल है भाई? भाई सो के उठ के आ गए हो, आज तो ठंड हो रही है, आज ठंड हो रही है, कंबल में दुबके हुए भाई साहब। अब दिन में निकल के आ रहे हैं, दिन में इनकी मॉर्निंग हो रही है। सही है भाई, सही है, धूप धूप निकल जाएगी बाहर तब निकलूंगा। नहीं भाई, अब मुझे लग रहा है 2-3 दिन तक ऐसी ठंड रहने वाली है दिल्ली में। 4 बज रहे हैं शाम के, फिर भी बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई थी, देख रहे हो पूरी गीली हो गई है सीट, इसको साफ करना पड़ेगा घर जाने के लिए। ठाकुर साहब पिछवाड़े गीले हो जाएंगे, साफ करवा दो सीट। कपड़ा नहीं रखते क्या स्कूटी में? अरे कपड़ा वपड़ा शायद नहीं है, चलो हाथ ही साफ कर देते हैं। भाई साहब स्कूटी चला रहे हो ना, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, इस पे हवा पास होती है? हाँ हवा पास हो रही है ना शायद स्वेटर में। बारिश हो रही है और कालू भाई साहब देखो कहाँ उसके सो रहे हैं। कालू, ओ कालू, ओ कालू, अलग ही मूड में सो रहा है भाई, सुन भी नहीं रहा है। इसके भाई बंधु नजर नहीं आ रहे, तो वो भी यही कहीं ना छुपे हुए हैं, बड़े क्यूट से बच्चे हैं, तो ब्लैक है बट उनका कलर बहुत अच्छा है, और वो दोनों ना यही कहीं छुपे रहते हैं, अभी नजर नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, या तो उनकी माँ ने उनको कहीं शिफ्ट कर दिया, या फिर कहीं घुस के ना सो रहे हैं वो, बट दिखाई नहीं दे रहे आज। तो भाई ठंड के मजे लिए जा रहे हैं चाय बना के। हाँ मम्मी आज तो ठंड हो रही है, ठंड हो गई है आज तो, चाय वाय बनाई जा रही है, पकौड़े वकौड़े बना दे यार इससे बढ़िया, क्या कह रहे हो, पकौड़े बनाने का टाइम नहीं है। मम्मी आजकल बिजी चल रही है पिंकी की शादी की वजह से, तो चाय वाय बना रही है, ठीक है चाय का एंजॉय लेते हैं, सर्दी में बिस्कुट बिस्कुट खा लेंगे इसके साथ में। वो देख दादू ने देख किसको ले लिया, देख दादू ने किसको ले लिया। अरे 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 अरे, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, आपको ले रहे हैं, आपको ले रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ 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 जाओ। देखो हंसी को गोद में लेते ही ना ऐसा चिल्लाने लगी है, रोना स्टार्ट कर दिया इसने। हाँ कूदो शाबाश, ये देखो समारा दादू के साथ चलेगी, इसका अलग ही खेल चल रहा है, कूदो शाबाश, कूदो 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 कूदो, तेरी। क्या नाम है आपका? युक्ति। हाँ जी, तो हमारे छोटे सब्सक्राइबर आ गए हैं, एक्चुअली ये पड़ोस में हमारा एक भाई कम दोस्त रहता है रवि, तो उनकी बुआ की लड़की, मतलब हमारी बुआ की लड़की है, तो डेली ब्लॉग देखते हो? Yes. अच्छा जी, चलो डांस करो। अरे वाह वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, और इस ब्लॉग में दोबारा से गुड मॉर्निंग हो रही है क्योंकि डे 2 हो चुका है। एक्चुअली क्या है कि रात को पुराने वाले घर पे संगीत वगैरह चल रहे थे, शादी के संगीत, तो फिर वहाँ पे सोने का तो कोई मतलब ही नहीं था, तो पापा और मैं नए वाले घर पे आ गए थे सोने के लिए, तो रात भर यहीं सोए, और कमरा ना खाली है, तो ठंड वंड यार दबा के लग रही थी यहाँ पे, और बारिश हुई है तो वैसा ठंड वैसे ही बढ़ गई है, तो और ज़्यादा ठंड यहाँ पे महसूस हो रही थी, और उस वाले घर पे तो भैया 8, 8:30, 9 बजे से पहले नींद ही नहीं खुल रही थी, लेकिन आज यहाँ पे देखो 6 बजे नींद खुल गई है। अभी सोच रहा हूँ कि पुराने वाले घर पे मतलब वहाँ चले जाऊँ जहाँ पे सारे हैं, और चाय वाय थोड़ी सी पी ली जाए, तो पहले वहाँ चलते हैं।
भाई सारे सो रहे थे यहाँ पे, सबको सो के अभी उठाया, आज हम जल्दी जग गए 6 बजे ही। मम्मी कह रही है इतनी जल्दी जग गया, तो नए वाले घर पे नींद थोड़ी जल्दी खुल गई थी इसलिए जल्दी जग गए आज। भाई ठंड हो रही है, गर्मी नहीं हो रही, पंखा चला दिया सुबह सुबह। तो कल दिन में और कल रात में जो बारिश हुई थी ना, उससे बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। एक्चुअली गंदी इसलिए हुई क्योंकि पेड़ों पे से ना गंदा पानी टपकता है और वो फिर बाइक पे खट्टा होता है। बारिश ने भी तेज़ नहीं थी कि सब धुल जाता, हल्की हल्की बारिश थी और सारा गंदा जो गंदगी थी सारी पेड़ों पे से ना बाइक पे टपक गई थी बारिश के साथ, तो पूरी गंदी हुई पड़ी थी। अभी सुबह सुबह देख रहे हो साफ करके आया हूँ बाइक को, अच्छे से चमक गई है बाइक पूरी। अभी बाइक को तो चमका लिया, अपने आप को भी चमका लेते हैं, मतलब नहा लेते हैं, चाय वाय पी ली है, वहाँ से आके यहाँ पे चाय पी ली थी। ठंड कल की तरह आज भी हो रही है। तो इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। डिलन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता ना कि खाली हाथ नहीं जाना होता, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना होता। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।